सो राइट गाइस, कैसे हो दोस्तों? सब लोग आई थिंक सही होंगे। एंड आज के इस वीडियो में बात करने वाले फ्री फायर के न्यू इवेंट के बारे में जो चल रहा है अभी के टाइम में। आप लोगों को पता है इवेंट वाले सेक्शन में अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आप लोग एक्सचेंज स्टोर में आना, देन यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे यहाँ पे रिंग वाउचर नाम से एक चीज मिलेगी तुम्हें। अब ये जो रिंग वाउचर है, काफी लोग को पता नहीं कि इसको यूज कैसे करते हैं, मतलब उनको यूज करना नहीं पता। एंड काफी लोग को पता भी है कि इसको यूज कहाँ पे करते हैं, बट वो वहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे हो। हाँ भाई, मतलब मैं बात कर रहा हूँ अगर तुम लोग लक रॉयल में जाते हो, देन यहाँ पे अगर रिंग वाउचर जो होता है, हमारे रिंग आता है, कोई भी रिंग इवेंट आता है, अगर तुम लोग के पास वाउचर पड़ा होगा तो तुम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे होगे। अगर तुमने रिंग वाउचर भी क्लेम कर लिया होगा तो भी यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे होगे। एंड मैं अपने पास वॉल्ट में चेक करता हूँ भाई, पहले से मेरे पास कुछ पड़ा है क्या? तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो उधर जाता हूँ मैं, यहाँ पे देन यहाँ पे कुछ नीचे आता हूँ थोड़ा सा, तो भाई यहाँ पे मेरे पास रिंग वाउचर पहले से कोई नहीं पड़ा हुआ, तुम लोग देख ही सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की भाई, मेरे पास नेम चेंज कार्ड 8 पड़े हुए हैं। भाई किसी के पास इतने नेम चेंज कार्ड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड बात करते हैं हमारे रिंग वाउचर के बारे में, उसका क्या सीन है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग ये लेजेंडरी फ्रॉस्ट फायर रिंग इवेंट में यहाँ पे स्पिन करना चाह रहे होगे तो स्पिन नहीं कर पा रहे होगे। अब इसका रीजन क्या है क्यों स्पिन नहीं कर पा रहे हो, रिंग वाउचर को कहाँ पे स्पिन कर सकते हैं, वो सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, वीडियो काफ़ी काम की होने वाली है। एंड हाँ, जिन लोगों को नहीं पता कि फ्री फायर में फ्री में डायमंड कैसे लेते हैं, काफी लोग कमेंट करते हैं कि अल्फा भाई फ्री में डायमंड की ट्रिक बताओ, तो भाई पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि कैसे फ्री फायर में फ्री में डायमंड लेते हैं। तो एकदम रियल ट्रिक है, ध्यान से देख लेना। सो भाई देखो, तुम्हें फ्री में डायमंड लेने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे दोनों ही जगह टॉप पे एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। देन तुम्हारे सामने एक ऐप आएगा विंजू, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ नहीं करना, इंस्टॉल वगैरह करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना। अब जैसे मोबाइल नंबर डालोगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, थोड़ा सा इंतजार करना। जैसे ओटीपी आ जाए तुम्हारे सामने यहाँ पे बहुत सारे गेम आएंगे। देखो इतने सारे गेम है, इनमें से तुम्हें कोई भी एक गेम खेल लेना है जो भी तुम्हें पसंद है। अब जैसे गेम खेलोगे पूरा गेम खेलना है, जैसे तुम लोग गेम को जीत जाओगे तुम्हारे सामने कैसा इंटरफेस आएगा यहाँ पे तुम्हें बताएंगे कि भाई तुम पैसे जीत चुके हो। एंड गाइस देखो, एक और चीज बता देता हूँ कि अगर तुमने पहले कभी विंजो डाउनलोड किया अपने फोन में तो तुम्हें उसमें पैसे नहीं मिलेंगे। अगर तुम पहली बार विंजो डाउनलोड करते हो नए फोन में, नए मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हो, तभी इतने पैसे मिलेंगे। एंड भाई तुम लोग सोचो, अगर तुम लोग यहाँ पे 4-5 गेम खेलते हो एंड वो गेम जीतते हो तो भाई तुम लोग यहाँ पे आराम से 300-400 रुपए ले सकते हो। 300-400 रुपए से अपने फ्री फायर में टॉप अप करो भाई, मस्त एकदम फ्री का। तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई हम लोग को पैसे तो चलो मिल गए, लेकिन इनसे टॉप अप कहां पे करें? तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है टॉप अप वाला, इस पे क्लिक करना है। देन सिंपल यहाँ पे टॉप अप कर लेना, अपनी यूआईडी डाल देना और टॉपअप वगैरह करके, एंड डायमंड आ जाएंगे तुम्हारी आईडी में। और भाई मैं खुद यहां से टॉपअप करता हूं बहुत बार, जब मैं फ्री होता हूं तो गेम खेल के पैसे जीत जाता हूं। एंड काफी लोग अभी लूट रहे हैं भाई, इधर बहुत सारे पैसे हैं। तो तुम लोग भी जाओ भाई डाउनलोड करो, लेकिन नए फोन में और नए मोबाइल नंबर से लॉग इन करना, तभी तुम लोग को यहाँ पे डायमंड वगैरह मिलेगा। तो जाके लूट लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो गाइज, अभी हम बात कर लेते हैं कि जो रिंग वाउचर है इसको कहाँ पे यूज कर पाएंगे हम लोग। तो देखो मिशंस में अगर आप लोग देखोगे, पहले देखो यहाँ पे मुझे कुछ मिशन कंप्लीट करने पड़ेंगे तभी मुझे टोकन मिलेंगे, टोकन मिलेंगे तभी मैं यहाँ पे एक्सचेंज कर पाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ दो टोकन अभी मेरे पास है, अभी मुझे 3 टोकन और चाहिए, फिर मुझे यहाँ पे वाउचर मिल जाएगा। मान लो तुम लोगों ने यहाँ पे मिशन कंप्लीट कर लिया होगा एंड वाउचर क्लेम कर लिया। अब वाउचर क्लेम करने के बाद सीधा ही आप लोग लक रॉयल में जाते हो, तो लक रॉयल में जाने के बाद यहाँ पे लेजेंडरी फ्रॉस्ट फायर का रिंग इवेंट देखने को मिलेगा। अब भाई इसमें क्या सीन है, यहाँ पे अगर स्पिन करने के लिए आओगे ना तो दूर दूर तक आप लोग को वाउचर नहीं दिखेगा, मतलब वाउचर से स्पिन नहीं कर पा रहे होगे आप लोग। एंड यही प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है। अब देखो ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताता हूँ क्या सीन है। गरीना बहुत हरामी, आप लोग को जैसा पता ही है कि गरीना हमेशा जो सोच समझ के इवेंट देती है। तो यहाँ पे जो ये रिंग इवेंट है, यहाँ पे आप लोग वाउचर से स्पिन नहीं कर पाओगे। एंड जो वाउचर्स है उनको रिंग इवेंट में यूज कर सकते हो, एंड उनके लिए अलग से रिंग इवेंट होते हैं। कुछ रिंग इवेंट ही होते हैं जिनमें स्पिन कर पाते हो, सब में नहीं कर पाते हो। जैसे देखो ये ईवो बंडल है, एंड मान लो आप लोगों ने 3 यहाँ पे वाउचर निकाल लिए। अब 3 वाउचर में से आपने स्पिन किया 3 वाउचर से, एंड क्या पता आपको ये बंडल ही मिल जाए। एंड बंडल मिल गया तो गरीना को तो कुछ फायदा ही नहीं होगा ना, क्योंकि आपको फ्री में वाउचर्स मिले हैं। तो गरीना बहुत हरामी है, वो सस्ते वाले जिनमें मतलब अच्छे बंडल नहीं होते ना, अच्छी चीजें नहीं मिलती, उनमें आप लोग वो रिंग वाउचर का स्पिन कर सकते हो, ठीक है। एंड इसमें तो नहीं कर पाओगे। एंड मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि नेक्स्ट रिंग इवेंट कौन सा आने वाला है। तो भाई आप लोग को नेक्स्ट रिंग इवेंट देखने को मिलेगा बुया पास वाला, जो 1 जनवरी के दिन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बुया पास डिस्काउंट में देखने को मिलेगा। वैसे डिस्काउंट में देखने को नहीं मिलता है, गरीना बहुत हरामी है भाई, वो डिस्काउंट में नहीं होता, उसको आप लोग को उतना डायमंड पे करना पड़ता है। तो वो रिंग इवेंट आएगा, उसमें स्पिन कर सकते हो या नहीं, तो भाई देखो उसका मुझे कन्फर्म नहीं है। आप लोग अपने वाउचर बचा के रखो, एंड उसमें शायद स्पिन कर सको तो कर लेना, बाकी और अच्छे अच्छे रिंग इवेंट आएंगे तो उनमें स्पिन कर लेना, ठीक है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे 3 वाउचर है, उनके मिशन कंप्लीट करने, क्लेम कर लेने और अपनी वो वॉल्ट वाले सेक्शन में पड़े रखना है, ठीक है। एंड बस यही आप लोग को बताना था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जो मैंने आपको फ्री में डायमंड की ट्रिक बताई थी उसको ट्राई कर लेना, उधर से काफी लोग फ्री में डायमंड लूट रहे, तो जाओ आप लोग भी फ्री में डायमंड लूटो फटाक से। एंड बस कुछ नहीं करना, नए फोन में नए मोबाइल नंबर से लॉग इन करना है और जाके गेम खेलना है, पैसे कमाना है। और बाय बाय, टेक केयर।